जवाबदेही का एहसास ख़त्म हो चुका, किसी अच्छी ज़िंदगी की कोशिश वो ख़त्म हो चुकी। मैंने इसी दुनिया के अंदर अगर इसी को सब कुछ समझना है तो फिर मैं सब कुछ करूँगा अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैं किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं करूँगा। When you have this philosophy of life that you have what you have all in this world, that's it, and there is no other life, there is no hereafter life, then your paradigm and approach towards your life changes. जब ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये आप समझते हैं कि नहीं, जो कुछ है इसी ज़िंदगी के अंदर है, तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? ज़रा जापान की एग्ज़ाम्पल लीजिए ना। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सुसाइडल अटैम्प्ट और सुसाइड्स की रेशियो जो है वो जापान के अंदर है, बल्कि वो तो उनका एक कल्चर है कि वो मिलजुल कर खुदकुशियाँ करने जाते हैं। आप चाइना की एग्ज़ाम्पल लीजिए कि जब आपका फ़लसफ़ा है कि जो कुछ है इसी दुनिया के अंदर है और इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो फिर अपनी जीत के लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। जब आपके पास डिवाइन नॉलेज नहीं है, जब आप अहले किताब में से नहीं हैं, तो फिर यही फ़लसफ़ा है ना। फिर आप सोचिए कि इस दुनिया की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी रह जाती है। फिर आप हराम हलाल की तमीज़ नहीं करते, फिर आप सच और झूठ की तमीज़ नहीं करते, फिर आप किसी का हक मारने और डाका डालने की तमीज़ नहीं करते, उसे एहतियात नहीं करते। जब कुछ है ही सब ये ज़िंदगी, जब यही यहाँ पे ही सब कुछ हमने करना है, तो फिर मैं काहे की एहतियात करूँगा? जवाबदेही का एहसास ख़त्म हो चुका, किसी अच्छी ज़िंदगी की कोशिश वो ख़त्म हो चुकी। मैंने इसी दुनिया के अंदर अगर इसी को सब कुछ समझना है, तो फिर मैं सब कुछ करूँगा अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करूंगा। आज हम आलम अरबाब में देखें तो हमें यही कुछ नज़र आता है, पूरी दुनिया के अंदर यही कुछ नज़र आता है। लेकिन जब फोकस कहीं और हो जाए, जब फोकस्ड अप्रोच हो टूवर्ड्स लाइफ हेयर आफ्टर, तो फिर आप देखेंगे कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। हकीकी आखरत के तसव्वुर से क्या मिलता है? आप देखेंगे कि माशरा एक अमन और आश्ती की सूरत बन जाता है, भाईचारे की सी फ़ज़ा होती है। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं जवाब देना है। मैं बहुत जगहों पे जवाबदेही से बच गया, क्योंकि मेरी सोच में ये है कि मैं वहाँ इसी ज़िंदगी के बाद एक ज़िंदगी आएगी जहाँ मैं जाके जवाब दूँगा। या साहिबी सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। जब मैं फोकस हो गया कि मैंने सिर्फ एक जगह एक हस्ती के सामने जवाब देना है और मैं हर टाइम अपने हर एक्शन के लिए जवाबदेह हूँ, तो मेरी अप्रोच टूवर्ड लाइफ चेंज हो चुकी। ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। फिर मैं टामक टोया नहीं मारूंगा, फिर मैं ज़िंदगी फ़लसफ़े के नतीजे में, शानदार फ़लसफ़े के नतीजे में फोकस्ड गुजारूंगा, टारगेटेड गुजारूंगा, जिसमें एहतियातें करूंगा, जिसमें ख्याल रखूंगा, जिसमें सोसाइटी का बेहतरी आएगी, जिसमें ग्लोब की बेहतरी आएगी, आपकी कंट्री की बेहतरी आएगी। इस फ़लसफ़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरे का पूरा माशरा फोकस्ड और अम वाला माशरा बन जाता है। थोड़ी सी भी इस फ़लसफ़े के अंदर टेढ़ और कजी आई तो आप देखते हैं कि फिर जुल्म और ज़्यादती होती है, फिर नुकसान उठाने होते हैं। कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, रमयाश की तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। फोकस कर लीजिए, फ़लसफ़ा ये बना लीजिए, फिर अपनी ज़िंदगी को ज़रा टटोलिए, तो आपको पता चलेगा कि वाकई सुकून की ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी, स्ट्रेस के बगैर ज़िंदगी, फोकस ज़िंदगी अगर कोई है तो वो इस फ़लसफ़ा के अंदर है कि मैं ज़िंदगी को इस नज़र से देखता हूँ कि ज़िंदगी आखिरत की खेती है। मैं जो करूँगा उसका जवाब देना पड़ेगा, और मैं जो करूँ वो एक फ़ोकस्ड अप्रोच पे, एक फ़ोकस्ड अथॉरिटी के अंडर रहते हुए करूँ।